31 जुलाई 1826 ये वो दिन था जो फिनलैंड के इतिहास में सबसे बुरा दिन माना जाने लगा, क्योंकि इस दिन फिनलैंड में एक सीरियल किलर का जन्म हुआ जिसका नाम है जोहानी आर्टमन पोइक्का। जोहानी का जन्म फिनलैंड के वेसीविमा इलाके में हुआ। इसने अपने इतिहास में 12 लोगों को बहुत ही बेरहमी से मार डाला। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। फिनलैंड जब 1800 के अंदर था, तब 31 जुलाई 1826 को फिनलैंड में वेसीविमा इलाके में जोहानी आर्टमन पोइक्का का जन्म हुआ। जोहानी एक मध्यवर्गीय परिवार में जन्मा एक हष्टपुष्ट लड़का था। वह घर में पड़ा रहता और घर के बाहर छोटी मोटी चोरियां करता, किसी से लड़ाई झगड़े और बिना किसी बात के झगड़ों में वो अपना हिस्सेदारी दिखाता। घर वालों के कुछ कहने पर उसने अपने घर वालों को ही मौत के घाट उतार दिया। एक 15 साल का लड़का अपने माता पिता और दो भाई को मारकर फरार हो गया। घर से निकलते ही उसने अपने गांव में शहर में आ गया। वहां उन्हें चोरी डकैती करने लगा। घोड़ों की चोरी और लोगों को किडनैपिंग में उसे पहली बार पकड़ा गया। उसे वहीं की जेल हेमनिल्लिया जेल में डाल दिया गया। कोर्ट में पेश करते समय होलों में वह पुलिस वालों को मारकर वहां से फरार हो गया। वहां से निकलकर वह हेनेला पहुंचा। उसने हेली सेवा के मालिक और उसकी पत्नी और वहीं पर काम कर रहे एक कर्मचारी की हत्या कर दी और वहां से पैसे चोरी करके भाग गया। ये सब करने के बाद वह अपने घर वेसीविमा आ गया। ये सब क्राइम करने के बाद वह अब सुधरना चाहता था, तो उसने काम करने की सोची। पर उसके पास कोई पढ़े लिखे होने के कोई डिग्री नहीं थी। उसे कोई भी काम नहीं मिल रहा था, क्योंकि काम करने के लिए सर्टिफिकेट चाहिए और सर्टिफिकेट उसके पास नहीं था। इसलिए वो एक टीचर के पास गया और बिना पढ़ाई किए सर्टिफिकेट की मांग की। टीचर ने मना किया तो उसने उसे भी मार डाला और वहाँ से भाग गया। उसके घर के पास एक साइमा नहर गुजरती थी। उसने नहर की रेकी की। रेकी करने के दौरान अगर उससे कोई उलझता था तो वो उसे वहीं मार देता और जंगलों में डाल देता। मारने से पहले उसे लूट लेता ताकि उसके घर के खर्चा और उसको। रास्ते में उसे एक नाविक मिला। उसके पास उस नहर का पूरा नक्शा था। उस नहर को उसने उससे मांगा तो उसने देने से इनकार किया। उस नाविक को भी वह मार डाला। उस वक्त तक उसके पास पैसे आ गए थे। वह अपना घर छोड़कर लंबी आ गया। वहाँ एक दोस्त रहता था। उसे दोस्त के घर पर रुका क्योंकि उसे हट्टेमाला गांव जाना था। उसे काम के लिए हट्टेमाला गांव में टायरी क्राफ्ट के नाम से सुना हुआ था, तो वहाँ काम करने के लिए वह निकल गया। वहाँ पहुँचते ही उसने मालिक ने उसे काम देने से इनकार कर दिया। उसने वहाँ रह रहे किराएदार और वहाँ की मकान मालकिन जो कि बुजुर्ग थी उनके मौत के घाट उतार दिया और वहाँ से लूट मार की। कुछ लोग जो बच के भाग निकले थे वो पुलिस के पास जा पहुँचे। एकाध दिन में ही वह लम्मी से पदास जोकी के लिए जा रहा था, तब नाके पर ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और जेल में डाल दिया। कोर्ट में पेश करने पर उसे कोर्ट में मौत की सज़ा सुनाई गई। वहाँ के सम्राट उस सज़ा को बदल कर 40 कोड़े और आजीवन कारावास में डाल दिया। जेल में उसे जंजीरों से बांधकर रखा जाता था। जनवरी 1853 को वहीं बंधे बंधे उसकी मौत हो गई। ये था इतिहास उस जल्लाद का जिसे फिनलैंड का सबसे पहला सीरियल किलर कहा जाता है।